हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ हाजिर हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ कर्व। माइक्रोबियल या बैक्टीरियल दोनों का ही सेम ग्रोथ कर्व होता है। तो ग्रोथ कर्व में हमारे पास क्या होते हैं, चार फेजेस होते हैं। बैक्टीरियल और माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व को ड्रॉ करके रखा है। इसमें क्या होता है, फोर फेजेस आते हैं हमारे पास। पहला हमारे पास लैग फेज आता है, सेकेंड लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज आता है, थर्ड स्टेशनरी फेज आता है, फोर्थ हमारा डेथ और डिक्लाइन फेज आता है। तो जो फर्स्ट हमारा लैग फेज होता है वो यूजली 2 घंटे का होता है। इसमें जो भी हम मीडिया, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करते हैं वो उसमें अडेप्ट कर रहे होते हैं, वो ग्रो नहीं करते, बस अडेप्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो हमारी ग्राफ की लाइन है, वो कर्व की लाइन है, वो इस तरह से आती है। ये टाइम वाले तरफ तो बढ़ रही होती है, पर ये उधर बैक्टीरिया की ग्रोथ, जहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज हुए, ये वहाँ की ओर नहीं जा रही होती। तो हमारा लैग फेज ये आ गया, पॉइंट ए टू बी हमारा लैग फेज आ गया। मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और ये वाई एक्सिस की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी अडेप्ट कर रहे हैं। जब सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया पूरे अडेप्ट हो चुके होते हैं तो वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ शो करते हैं। मतलब वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही रैपिड डिवाइड कर रहे होते हैं, और इसे हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। इसे हम एक्सपोनेंशियल फेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम बैक्टीरियल या माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व की एक्सप्रेशन निकालते हैं वो 2^n की फॉर्मूला से निकलती है, तो इसीलिए हम इसे एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। ये यूजली हमारा 8 घंटों का होता है। और जो हमारा लैग और लॉग फेज है, वहाँ से हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स निकलते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीट होते हैं या फॉर्म्ड होते हैं इस फेज में। तो हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स चाहिए हो तो हम वहाँ पे लैग लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज की मदद से उसे लेते हैं। थर्ड आता है हमारे पास स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज में फिर से यहाँ पे कोई भी ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही है हमारी कर्व, ये स्ट्रेट जा रही है और टाइम भी बहुत ज़्यादा ले रही है। तो इसमें क्या होता है, इस फेज में जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया होते हैं वो डिवाइड तो हो रहे होते हैं, पर वो उसमें बहुत ज़्यादा मर भी रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीडिया ख़त्म होने के तक पहुँच चुका होता है। वो डिवाइड भी कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ मर रहे होते हैं। तो स्टेशनरी फेज में एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहे हैं बाय जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, तो मतलब टोटल नंबर सेम हो। जैसे इसमें 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से 5 जो है वो डिवाइड कर रहे हैं और जो 5 है वो मर रहे हैं, तो जो टोटल नंबर रिमेन आ जाता है वो सेम हो जाता है। तो ये जो लाइन होती है हमारी स्ट्रेट आ जाती है। तो स्ट्रेट लाइन होने का मतलब पता चला, हमारे पास जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहे हैं मतलब ग्रो कर रहे हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं उनका रेट बिल्कुल सेम है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। उसके बाद एक पॉइंट आता है, जो पॉइंट मैंने यहाँ डी बना रखा है। उस पॉइंट पे क्या होता है, जो भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास मीडिया पूरा ही ख़त्म हो चुका होता है, तो वो उसके बाद फर्दर ग्रो नहीं कर सकता, मतलब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। तो वो एक बहुत ही जल्दी वो सब मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। तो हम उसे डेथ और डिक्लाइन कहते हैं, बहुत जल्दी डिक्लाइन या डेथ हो जाती है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की। तो ये थे हमारे पास 4 फेजेस, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। डेथ फेज में भी जैसा फॉर्मूला हमने यहाँ पे बताया कि जो डिवाइड हो रहे हैं और जो डेथ हो रहे हैं उनकी रेट सेम होती है। तो जो डेथ और डिक्लाइन फेज होता है उसमें जो हमारे डिक्लाइन हो, जो मर रहे होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और जो डिवाइड कर रहे होते हैं उनकी बहुत ही कम होती है, या मर रहे होते हैं उनकी बहुत ही कम होती है। सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या दिखते हैं, डिक्लाइन। तो एक शार्प डिक्लाइन लाइन हमारे पास आती है। तो ये जो हमने ग्रोथ कर्व पढ़ा, ये हमारा बैच कल्चर में था। मतलब बैच कल्चर का मतलब हमने एक ही बार मीडिया डाल दिया और या हम उसके बाद हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की प्रोडक्ट को आइसोलेट करना है। तो ये था हमारा बैच में। जो कंटिन्यूस प्रोसेस है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हमने एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या कौन कौन से फेजेस पढ़े, लैग, लॉग, एक्सपोनेंशियल, लॉग को ही हम एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हमने ये भी डिस्कस किया, स्टेशनरी, डेथ और डिक्लाइन। जो भी एक्स एक्सिस में होता है टाइम, वो यूजली इन आवर्स में होता है, और जो वाई एक्सिस में होता है नंबर ऑफ बैक्टीरिया, वो यूजली लॉग फॉर्म में। हम बैक्टीरिया की जो भी हम
कितना वो ग्रो किया कितना, उसे हम लॉग फॉर्म में लेते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया और या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बैच कल्चर। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।